अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने उस टिकटॉक अकाउंट को लॉग आउट करना है और किसी दूसरे फोन में उस टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है। तो फ्रेंड, आपने किस तरीके से अपने टिकटॉक अकाउंट को लॉग आउट करना है और जब लॉग आउट कर लेंगे जो दूसरा फोन होगा वहां जाकर आपने अपनी उसी आईडी को कैसे ओपन करना है, और इसके अलावा अगर आपने उसी फोन में दो आईडिया बनाई हुई है टिकटॉक अकाउंट की तो आपने किस तरीके से स्विच करके दूसरी आईडी को भी इसी फोन में लेकर आना है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को किसी दूसरे फोन में किस तरीके से ओपन कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो राइट साइड पर आपकी प्रोफाइल आपको शो हो रही है। फ्रेंड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर सबसे ऊपर तीन डॉट की ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी की ऑप्शन है, फ्रेंड आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस टिकटॉक अकाउंट को लॉग आउट कर लेना है तो इसलिए मैं लॉग आउट पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही लॉग आउट कर लेंगे तो अब आपने किसी दूसरे फोन में इसी टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है। तो आपने कैसे ओपन करना है, जैसे ही आप किसी दूसरे फोन में जाएंगे आपने उसी तरीके से अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है और उसी तरीके से प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपने उसी तरीके से तीन डॉट की ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, फ्रेंड आपने उसी तरीके से उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाती है, स्विच अकाउंट की ऑप्शन। अगर आपने दो अकाउंट बनाए होंगे तो आप यहां से स्विच कर लेंगे। मैंने अभी फिलहाल एक बनाया है और एक मैंने लॉग आउट कर लिया है और मैं दूसरे फोन में ऑन करना चाहता हूं, तो इस वजह से आपने इस पर क्लिक कर लेना है और एड एन अदर अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपने फेसबुक के साथ करना है, गूगल के साथ करना है या फोन नंबर के साथ आपने करना है, क्योंकि आपने जिस पर अकाउंट बनाया होगा, मतलब कि आपने फेसबुक के साथ अटैच किया है या फोन नंबर के साथ या गूगल के साथ, आपको वो नंबर याद होना चाहिए जिस पर आपने टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो सबसे ऊपर मैं फोन को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद जिस नंबर पर आपने बनाया होगा आपने उस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। वो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपने सेंड कोड पर क्लिक करना है। जिस नंबर पर आपने टिकटॉक अकाउंट बनाया होगा जैसे ही सेंड कोड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट आर द सेम शेप। आपने जो दो शेप होगी एक जैसी आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दोनों शेप जब एक जैसी हो जाएंगी तो आपका जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपने कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों शेप सिलेक्ट कर ली और वेरीफाई हो गया और मैंने कंफर्म पर क्लिक कर लिया। उसी टाइम 6 डिजिट का कोड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उस नंबर को आपने यहां एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो टिकटॉक अकाउंट होगा आपने क्रिएट किया होगा वो दूसरे फोन में ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने टिकटॉक अकाउंट को दूसरे फोन में जाकर ओपन कर लेना है, अगर आपने किसी दूसरे फोन से लॉग आउट किया होगा। उसके बाद फ्रेंड, आप चाहते हैं कि मैंने अब दो अकाउंट बना लिए, इस फोन में मेरे दो अकाउंट हो गए, अब मैं दूसरे अकाउंट को लेकर आना चाहता हूं, आपने उसी तरीके से तीन डॉट पर जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जाना है और स्विच अकाउंट पर जाना है। जैसे ही स्विच अकाउंट पर जाएंगे तो आपके सामने ये दोनों अकाउंट मेरे शो हो रहे हैं, विकी हान 818 और नीचे वाला उजैर हान। अब मैंने दूसरे अकाउंट को ओपन करना है तो मैं नीचे वाले अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये देख सकते हैं मेरा दूसरे वाला अकाउंट ओपन हो गया है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने अपने अकाउंट को स्विच कर लेना है और दूसरे फोन में जाकर ओपन कर लेना है। और इसके अलावा स्विच अकाउंट जब करेंगे तो आप इसी फोन में दो अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट को स्विच कर आपने अगर इस्तेमाल करना है तो आपने लेकर आ जाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।